नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्री। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार से त्रस्त एक पूर्व विधायक ने भारत से राजनीतिक शरण की मांग की है। बलदेव सिंह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के पूर्व विधायक बलदेव सिंह ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बरीकोट से विधायक रहे बलदेव का आरोप है कि इमरान के राज में अल्पसंख्यकों पर जुल्म बढ़ा है। बलदेव सिंह अभी अपने परिवार के साथ पंजाब के खन्ना जिले में रह रहे हैं। पाकिस्तान में अत्याचार से त्रस्त बलदेव अब वापस अपने देश नहीं लौटना चाहते। उनका कहना है कि पाकिस्तान में हिंदू और सिख महफूज नहीं है। धमकियाँ भी मिलती है, सब कुछ मिलता है वहाँ पर, और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो पाकिस्तान में, वहाँ कुछ लाइफ नहीं है। हम लोग बोल नहीं सकते, हकीकत नहीं बोल सकते, क्योंकि एमएनए एमपीए सेलेक्ट होके आते हैं, पैसों के थ्रू पे आते हैं। जिस तरह नए पाकिस्तान में ये मसले हैं कि खान साहब कह रहे थे कि हकीकत बोलना, और मेरे अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान में आज हकीकत बोलेगा तो वो या पुलिस के हवाले करेंगे या आर्मी के हवाले होंगे। बलदेव सिंह के परिवार वालों का कहना है कि पाकिस्तान में हो रहे जुल्मों के बीच अल्पसंख्यकों का चैन से रह पाना मुश्किल है। बलदेव सिंह की बेटी ने बताया कि हर दिन इन्हें कहा जाता है कि मुस्लिम बन जाओ। सुनिए बलदेव सिंह की पत्नी और बेटी का दर्द जो इन्होंने पाकिस्तान में झेला। पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। मैं चाहनी हाँ कि मैनू इतने ही हर कुछ फैसिलिटी मिले, तो मैं इतने ही रहना चाहनी हाँ, अपने बच्चों का फ्यूचर जो ब्राइट करना चाहनी हूँ। कौन बोलता है वहाँ पे? क्या चाहते हो आप? बलदेव और इनका परिवार पाकिस्तान से जान बचाकर भारत आया है। खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा में अल्पसंख्यकों की आवाज बुलंद करने वाले बलदेव का कहना है कि इन्हें इमरान खान से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उनके सत्ता में आने के बाद हालात और बिगड़े हैं। बलदेव सिंह ने कुछ महीने पहले अपने परिवार को लुधियाना में अपने रिश्तेदारों के पास खन्ना शहर भेज दिया था। 12 अगस्त को 3 महीने के वीजा पर खुद बलदेव भी यहां आ गए, लेकिन अब ये वापस नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें लगातार आती रहती हैं। हाल ही में ननकाना साहिब में एक सिख लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन और मुस्लिम से शादी करवाने का मामला सामने आया था। उसी मामले में आज पीड़ित लड़की की कोर्ट में पेशी होनी है। इस केस की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई है। इमरान के नेता बलदेव सिंह की गुहार के बाद बीजेपी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि इमरान के ही एक नेता ने उन्हें बेनकाब कर दिया है। उधर लंदन में एक पाकिस्तानी मूल के पत्रकार ने भी अपने मुल्क के हुक्मरानों पर जमकर हमला बोला है। इमरान खान की पार्टी के पूर्व विधायक बलदेव सिंह के बयान से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग किस तरह से डर के साए में जी रहे हैं। बलदेव सिंह ने पीएम मोदी से यह अपील भी की है कि वो इस मुद्दे पर कुछ करें ताकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के बदतर हालात में कुछ सुधार हो सके। बलदेव सिंह ने वही सब कहा है जो भारत पहले ही कहता रहा, जैसे पाकिस्तान में आतंकवाद को सेना का समर्थन हासिल है, पाक आर्मी के सामने प्रधानमंत्री इमरान असहाय है। मोदी साहब से और सीएम पंजाब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आइंदा के लिए इस तरह करें कि वीजे में नरमी करें, और जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सब मुआवजा वगैरह मिले ताकि इंडिया वो लोग आए और अपने बच्चों के साथ खुशी जिंदगी बसर कर सकें। बार बार रिक्वेस्ट है कि खान साहब ये हालात जा रहे हैं, मिनॉरिटी के बहुत हालात गंदे हैं, मिनॉरिटी का थोड़ा गौर करें। मैंने अपने एमएनए एमपीए बाकायदा तौर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाऊं, सारी गवर्नमेंट आर्मी ही चला रही है। पाकिस्तानी नागरिक बलदेव सिंह के खुलासे पर बीजेपी ने इमरान खान पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। बलदेव सिंह ने इमरान खान के चेहरे से और पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतार दिया है। एक्सपोज हो गया पाकिस्तान कि वहाँ माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनकी क्या हालत है। आज वहाँ एक विधायक, पूर्व विधायक, उसकी धार्मिक आजादी खतरे में है, उसने यहाँ शरण मांगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबको वो मुस्लिम बनाना चाहते हैं। पूरे दुनिया को ये देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान का असली चेहरा कैसा है। इमरान खान की पार्टी के विधायक है और उनका भारत के अंदर आकर वहाँ की सच्चाई बताना कि किस तरह वहां पर अत्याचार हो रहा है, किस तरह वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ और ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन सभी नागरिकों के साथ हो रहा है,
किस तरह वहां पर रोज बेटियों के साथ उनको जबरन उठा के ले जाया जा रहा है, उनका अपहरण किया जा रहा है, उनसे निकाह किया जा रहा है, और कई केसेस इससे पहले भी आए। Yes, of course, it's a very sad thing. I believe that the condition of minorities in Pakistan is 10 times worse than anywhere else. लंदन में पाकिस्तानी मूल के पत्रकार और एक्टिविस्ट आरिफ अजाकिया ने भी पाकिस्तान की सेना और सरकार पर जमकर हमला बोला। जिस तरह चाइना में कंसंट्रेशन कैंपों में मुसलमानों की तरबियत की जाती है, दे आर टॉट हाउ टू बी ए मुस्लिम एंड दिस एंड दैट, आजाद कश्मीर इज ऑल्सो ए कंसंट्रेशन कैंप। पाकिस्तान ने तो हमारा इस्तेहसाल, हमारा बलात्कार किया है, और हमारे नाम पे 72 साल से OIC की भी लीडरशिप करता रहा, पूरी दुनिया में कार्ड खेलता रहा। कश्मीर पर आज पाकिस्तान की UNHRC में पोल खुलनी लगभग तय है। 115 पन्नों की झूठी रिपोर्ट के साथ पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अपना राग सुना रहा है। कश्मीर में मानवाधिकारों के मामले को पाकिस्तान एक बार फिर UN ले आया। दूसरी तरफ भारत अपने जवाब के साथ तैयार है।